नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं लैपटॉप या कंप्यूटर की डिस्प्ले का वॉलपेपर कैसे चेंज करें। जी हां दोस्तों, अगर आपको जो लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर विंडो 11 या विंडो 10 का जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है ये वाला, ये आपको पसंद नहीं आता है और आप यहां पर अपनी फ़ोटो या फिर किसी और प्रकार का वॉलपेपर लगाना चाहते हैं तो किस प्रकार लगाओगे, चलिए जानते हैं दोस्तों इस वीडियो में। तो वॉलपेपर लगाने से पहले दोस्तों आपको वॉलपेपर का साइज़ पता होना चाहिए ताकि आपके जो डिस्प्ले है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर की डिस्प्ले है, उस पर आपका वॉलपेपर पूरा फिक्स आ जाए। तो मैं साइज़ बता देता हूँ दोस्तों, 1920x1080 आपको ये ध्यान रखना है। 1920x1080 की कोई भी फोटो या पिक्चर होगी वो आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप या कंप्यूटर के जो डिस्प्ले है उसके ऊपर परफेक्ट फिट आ जाएगी, तो उसे आप आसानी से वॉलपेपर बना सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको यहाँ पर मैंने एक खुद ने एक जो वॉलपेपर है वो बनाया है, यानी कैनवा की मदद से बनाया है, कैनवा से मैंने उसे डिज़ाइन किया है, उस वॉलपेपर को यहाँ पर लगा के दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, वॉलपेपर लगाने के दो तरीके हैं, मैं आपको यहाँ पर दोनों तरीके बताऊँगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला तरीका है दोस्तों, आपने जहाँ पर भी अपनी कोई फ़ोटो को सेव कर रखा है या रख रखा है कोई फोल्डर के अंदर है, आपको उस फोटो को वहाँ पर उसी पाथ पे चला जाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए मेरे यहाँ पर फोटो है वो डाउनलोड फोल्डर के अंदर है। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी कहीं और हो सकती है तो आपको अपने फ़ोटो को वहाँ पर पहुँच जाना है जहाँ पर आपकी फ़ोटो है। तो देखिए दोस्तों, इस ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर को मैं वॉलपेपर बनाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये पिक्चर है। अब इस पिक्चर को मैं वॉलपेपर बनाने वाला हूँ तो क्या करना होगा आपको, जो आपकी फ़ोटो या पिक्चर है उसके ऊपर राइट क्लिक करना है, उसे सिलेक्ट करना है और उसके ऊपर राइट क्लिक करना है। सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया, इस पर राइट क्लिक किया, अब आपके सामने ये बटन आ गया है सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड। ठीक है दोस्तों, आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो आपका ये वॉलपेपर है ये यहाँ पर चेंज हो गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आप एक नंबर, यानी कि एक प्रकार तो ये है वॉलपेपर सेट करने का। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, जो एक तरीका आपके सामने हो गया, सबसे पहले मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों, इसके लिए आपको जो ये स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और सेटिंग के गियर पर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग का गियर क्लिक किया, इसके बाद आपके सामने सिस्टम और ये बहुत सारे यहाँ पर बटन आ गए हैं। यहाँ पर आपको पर्सनलाइजेशन है, इस बटन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बैकग्राउंड का बटन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद अब आपको जिस भी पिक्चर को लगाना है, जैसे मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, देखिए मेरा भी वॉलपेपर ये है। अब मेरे को दोबारा इसी जो वॉलपेपर है वो लगाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर हम आ गए हैं। आने के बाद अब आपको यहाँ पर एक ब्राउज़र फ़ोटो का बटन दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, ब्राउज़र फ़ोटो वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जहाँ पर भी जो भी फ़ोटो है उस फ़ोटो को यहाँ पर चूज पिक्चर कर लेना है। ठीक है दोस्तों, मेरी यहाँ पर ये वाली पिक्चर है, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ और चूज पिक्चर कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने चूज पिक्चर किया तो हमारा वॉलपेपर दोबारा से सेट हो गया। तो इस प्रकार से दोस्तों आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर आसानी से वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए।